शर्मा जी, जो विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि देखिए, हम यहाँ इस प्रोफेशन में हैं, वकालत के प्रोफेशन में हैं, कि कोई भी अपराधी सही, वो अपराधी अपने आप को सरेंडर करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उससे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो भागेगा। वो निश्चित रूप से इस एनकाउंटर से बचने के लिए ही इधर उधर रास्ते ढूंढ रहा था और वो वहाँ से उज्जैन से पकड़ा गया। उसके बावजूद उसको यहाँ, मुझे मेरी समझ में कि ये जो पुलिस के द्वारा दिखाया जा रहा है कि वो भाग रहा था, तो ये संभव नहीं था, क्योंकि अच्छे अच्छे वहाँ एसटीएफ के कमांडोज थे। और उसके बाद उस व्यक्ति के बताते हैं कि दोनों पैरों में सरियाएं पड़ी हुई थीं, गाड़ी उलट गई, उलटने के बाद वो कमांडो गाड़ी से नहीं निकल पाए, और वो ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों पैरों में सरिया पड़ी हुई थी, वो व्यक्ति निकल करके भागने लगे, और वो भी कमांडोज नए लड़के थे, उन सब के द्वारा के उनसे भाग रहा था। ये मुझे नहीं लगता, ये डाइजेस्ट खुद नहीं है, कोई नहीं इसको महसूस करेगा। निश्चित रूप से इसमें पुलिस की विफलता है, और उसने जो कुछ भी ये सब किया है, ये सब मुझे बनावटी लग रहा है। और मैं समझता हूँ एक तरीके से कि न्यायपालिका से लोगों का विश्वास इस तरीके से हटता है कि वो व्यक्ति अगर पुलिस ही सारा डिसीजन ले लेगी, तो निश्चित रूप से न्यायपालिका में कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि न्याय के मंदिर में हर व्यक्ति को न्याय मिलता है, चाहे कोई अपराधी है। मैं नहीं मानता, मैं जानता हूँ कि हाँ, कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, ये तो डिसीजन देने का पूरा न्यायपालिका को अधिकार है। और प्राइमा फेशा ये लग रहा था कि विकास दुबे द्वारा ये हत्या की गई, ये हम सब लोग भी मान रहे थे कि उसी के गैंग द्वारा की गई थी, लेकिन इस तरीके से न्याय को हाथ में लेना वो गलत है मेरी समझ से। ये जो 20 साल से बार बार जेल जा रहा था, छूट रहा था, इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ न्याय किसको मिलना चाहिए? 20 साल से जा रहा था ये जेल जा रहा था, इसके बारे में आप, मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि अपराधी कब छूटता है? जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहीं पर भी कमज़ोर होती है या सही साक्ष्य नहीं दे पाती है, तो न्यायालय की एक न्याय की एक मंशा है कि जिसके पक्ष में कोई किसी भी तरीके के सबूत अच्छे नहीं जुटाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको रिलीफ तो मिलना ही मिलना है। तो पुलिस की कहीं ना कहीं कमजोरी ऐसी रही कि वो पूरे साक्ष्य का जुटा नहीं पाई और न्यायालय से वो जमानत पाता रहा। विकास दुबे जैसे लोग विकास दुबे बन जाते हैं, उसके पीछे आप किसकी व्यवस्था को मानते हैं? मैं समझता हूँ हमारी जो लचर व्यवस्था है। कौन कौन शामिल है इसमें? प्रशासन पूर्ण रूप से, न्यायपालिका में निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की लचर व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति का एक, हम और आप दोनों देख रहे हैं कि किसी के विरुद्ध छोटा सा कोई मुकदमा लिख जाता है, पारिवारिक मैटर भी लिख जाता है, तो पुलिस वहाँ दगादग वो देती रहती है, दबस देती रहती है। और इसके बाद ऐसे जो जघन्य अपराध करते हैं, जो हत्या जैसे मामलों में, और वो व्यक्ति बाहर इंजॉय कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा जो मिलता है वो प्रशासन की लापरवाही के कारण मिलता है, और उसके बाद वो एक के बाद एक नया अपराध करते रहते हैं। आज जो हुआ, ये सारी चीज़ें हुई 2 जुलाई को जो हुआ, ये बिल्कुल निश्चित रूप से लचर व्यवस्था के कारण ही था, अन्यथा इस तरीके से ये हमारे जो 8 जवान जो शहीद हुए थे पुलिस के, वो नहीं होते। अगर पहले से ही अगर इन पर शिकंजा कसा होता, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। ऐसे अपराधियों से हम मानते हैं कि अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि सारी व्यवस्था को लेकर के एक ही एजेंसी को ही अपने हाथ में ले लें। अभी कुछ टाइम पहले एक प्रियंका रेड्डी का कांड हुआ था हैदराबाद में, yes, जब उसमें पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, तो पूरे देश में जश्न मनाया गया था, वो ऑन स्पॉट, और उसकी बहुत तारीफ भी हुई थी कि इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, इनको ऐसे ही मौत मारना चाहिए। लेकिन जब विकास दुबे की बात आती है या ऐसे बहुत सारे अपराधियों की बात आती है, तो उन्हें बचाने के लिए लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? प्रश्न बचाने का नहीं, अपराधी है तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी। अदालत में जब ट्रायल होता है, तो निश्चित रूप से अदालत के माध्यम से उनको सजाए मौत दी जाती है। तो एक प्रक्रिया है हमारी कि उस प्रक्रिया के तहत हमें जाना चाहिए। मैं ऐसे एनकाउंटरों का विरोध करता हूँ जिसमें कि न्यायपालिका के, मैं समझता हूँ कि वहाँ उस स्थिति में ऐसा लगता है कि न्यायपालिका पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए, न्याय मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है, देरी हो सकती है, लेकिन अंधेरी कहीं नहीं है। एनकाउंटर पर रोक के लिए मानवाधिकार आयोग और इन्होंने पहले एनकाउंटर्स में बहुत लोगों को, गलत लोगों को भी,
जब प्रक्रिया चलती है, न्यायिक प्रक्रिया होती है, तो वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन किया जाता है और उसके बाद ही उसको दोषी है या नहीं है ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। हम अगर ये कहने लग जाएं, मेरी नज़रों में हो सकता है कि मैं कहीं पीड़ित पक्ष हूँ, तो मैं तो कहूँगा कि दो मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन न्याय की मंशा से वो जिस प्रक्रिया से होना चाहिए उस प्रक्रिया के माध्यम से ही होना चाहिए। एनकाउंटर नहीं, न्यायालय में व्यवस्था है सारी चीज़ें कि हत्या अगर किसी व्यक्ति ने की है और प्रूव हो जाती है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है और दी जा रही है, तो न्यायपालिका पर विश्वास किया जाना चाहिए। और मैं मीडिया के लिए भी एक स्पेशली और कहना चाहता हूँ, हमारे लोकतंत्र का चौथा खंभ मानते हैं, एक उनको भी ऐसी खबरें ऐसी दिखानी चाहिए कि वास्तविकता में अभी क्या है कि उज्जैन से जैसे चलने वाली बात आ रही है, उज्जैन से उसे लेकर के चलते हैं, एसटीएफ लेकर के चलती है, उसके पीछे मीडिया की गाड़ी भी थी, चल रही थी। मीडिया की गाड़ी 6:30 बजे के बाद मीडिया की गाड़ी उसके पीछे नहीं थी, काफ़ी गैप था। ये गैप रहने के पीछे क्यों का कोई वजह है का मीडिया ने दी? कोई नहीं, वैसे हम न्यूज़ सुन रहे हैं। और उसके बाद जिन पुलिसकर्मियों को जो चोट लगना बता रहे हैं, उन पुलिसकर्मियों को 4 घंटे बाद, घटना के 4 घंटे बाद हमारे सोशल मीडिया पर खबर आई कि उनको चोटें लगी थी। तो ये सारी चीज़ों में ये पारदर्शिता मुझे नहीं लग रही है। निश्चित रूप से अपराधी के प्रति बिल्कुल सख्त रवैया प्रशासन को अपनाना चाहिए, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन पब्लिक का एक और कहना है, जैसे कि हम लगातार सर्वे कर रहे हैं और जनता से बराबर बात कर रहे हैं, तो जनता का ये भी कहना है कि ऐसे अपराधी अगर ये विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर कर देता और ये पुलिस के हत्या नहीं चढ़ता, यानी इसका एनकाउंटर नहीं भी होता, तो ये 20 साल तक इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, न्यायपालिका में पूरी व्यवस्था है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही है, फास्ट ट्रैक कोर्टों में दो साल में ही ज़्यादातर बड़े बड़े केसों में डिसीजन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिगड़ रहा है उनका, लेकिन इसके पीछे भी जो डिले होता है हमें न्याय मिलने में, उसके पीछे भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की ही लचरता है कि पूरे एविडेंस समय पर दाखिल नहीं कर पाते, चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं करते हैं, गवाह समय से न्यायालय में पेश नहीं करते हैं। इसी वजह से तो ये सब चलता है। हर फरियादी तो ये चाहता है कि मेरा डिसीजन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, लेकिन उसकी एविडेंस जितनी भी होती है तो ये कौन है, ये सब प्रशासनिक वो हैं, उन लोगों को जल्दी से जल्दी वहाँ पर प्रोसिक्यूट करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन का सहयोग करना चाहिए। जब प्रोसिक्यूशन का सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रक्रिया तो बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि इसमें भी प्रशासनिक व्यवस्था की लचरता ही है कि न्याय देरी से मिलने के पीछे। अभी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें दो दो तीन तीन चार चार एविडेंस होनी है, पब्लिक विटनेस थे, उनकी गवाही हो चुकी है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर या किसी मेडिकल ऑफिसर की वजह से दो दो तीन तीन साल वो मामले खींचते चले आ रहे हैं, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे भी तो हमारा प्रशासन ही जिम्मेदार है। उस प्रशासन को वहाँ पर अपनी एविडेंस टाइम से पहुँचानी चाहिए, उस एजेंसी को पहुँचना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो भी जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ प्रशासन की।